आप लोग ए बी सी। पहला प्रश्न ध्यान से, पता नमक का सूत्र NaCl होता है, तो बताना है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है ग्रुप ए? CaCO3। बहुत बढ़िया, प्लस 10 दीजिए। अब बताइए CaCO3 का रासायनिक नाम बी। CaCO3 का रासायनिक नाम, संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, तो इसका रासायनिक नाम बता दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, आप लोग बताइए कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र होता है, तो दीवार की पुताई में कौन चूना प्रयोग किया जाता है? खड़ा हो जाएगा, भाखरा चूना। ठीक है, सीमेंट में कली चूना का प्रयोग करते हैं, बताइए D2O किसका सूत्र है? भारी जल का। D2O का रासायनिक नाम? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब बताइए रामायण में राम जी के 4 भाई थे, तो राजा दशरथ के कितने लड़के थे? 4। प्लस 10 दीजिए। महाभारत में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 18 दिन का युद्ध अपने दिव्य दृष्टि से देखा था। संजय ने। हम ही देखे थे। हाँ, आप लोग बताइए बातें कम काम अधिक का नारा किसने दिया था? संजय गांधी बोल। बातें कम काम अधिक का नारा किसने दिया था? संजय गांधी। बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग बताइए हमारे नाम के जन नहीं, जन नहीं करता ऐसा। हाँ, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। बताइए जीभ के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदा पाई जाती है जो स्वाद बताता है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन मवाद कलिया, स्वाद कलिया, धनिया कलिया, मरचाई कलिया। क्या स्वाद कलिया? स्वाद कलिया। प्लस 10। आप लोग बताइए पृथ्वीराज चौहान के दोस्त का नाम बताइए जो गिद्ध से बचाने के लिए अपना अंग अंग काट के दान में दे दिया था। ऑप्शन सुनिए, संजय राय, विजय राय, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप। बोल, सिंपल प्रश्न था, आंसर एकदम नाच रहा है चक्र नियना से पास। बोलो, इंतजार में बोला खाली। पृथ्वीराज चौहान के उस दोस्त का नाम बताइए जो बचपन में अपने पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए अपना अंग कार्ड को गिद्ध में दे दिया था, पूरा जान दे दिया था। संजय राय, विजय राय, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप। -5। आप लोग बोलिए, दिमाग दो रही है। महाराणा प्रताप जिंदा थे, अंग्रेज। संजय राय, प्लस 10। देखो नाम नाच रहा है, चक्र नहीं है। वीडियो होता है। हाँ, आप लोग बताइए मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 52 से लेकर मृत्यु 52। एक लीप ईयर में कितना दिन? 366। प्लस 10 दीजिए। आप बताइए एक साल में 52 सप्ताह होता है, तो एक लीप ईयर में कितना सप्ताह? 52 सप्ताह। आप लोग बताइए हे राम का नारा किसने दिया? कैमरा नहीं दिखाइएगा, खड़ा होके हे राम का नारा किसने दिया था? जानता है उनको तू लोग? गांधी जी। वाह, टिकटॉक का बात है। हाँ, आप लोग बताइए, टिकटॉक पर छा गया है। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। हमने तैयार है, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत बढ़िया, प्लस 10। आप बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ऑप्शन है चारों, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी।
भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। उसका रिएक्शन क्या बोले? ये तो बोले दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। बड़ा ऑप्शन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हो। बोलिए इतना दूर बैठे हैं तो फिर से बोलो। लास्ट बार दे रहे हैं प्रश्न, जानिएगा। सुनिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्लस 10 दीजिए। आप लोग बताइए, भारत देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो आप लोग अब बताइए, पता ही आंसर का लिखे थे कि क्वेश्चन था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा था। ये लिखे थे कि जब अंग्रेज आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमें गुलाम बनाए, तब वास्को डी गामा 1498 में आया और मारे खाने समस्या चला चला के देश को आजाद करा दिया। क्या बात है, 1498 में देश को आजाद करा दिया। 1947 में कहला माना किया गया, झंडा फहराया गया था। ये 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? कहा आंसर लिखा, हाउ लिखा था, गोल घर का निर्माण कैसे क्यों किया गया? तो लिखा था कि गोल घर में बार बार बाघ आ जा रहा था, तो अनाज को बचाने के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। हमने लिखा था, हमने के साथ साथ सब लिखा। सर हम बाघ लिखे थे। दे दिया ना, कैसे किलो दिए? 40 रुपए किलो। बोला घर पर चलिए ठीक है, होने रख दो बेंचों पर ले आके। अच्छा वो काट देंगे हमारे हाथ में आएगा। बोल बाप आई लो झूठा कर इसमें नींबू का कर कौन लगी है? अरे बाप रे सरची का पार दू फाता हूं काले पर कौन दी का पार क्या का बनेगा? हम खा के पूछेगा वीडियो अभी निकल गया। लंबा लंबा हो जाएगा तो रोक रोक के करना जा, बीच में बात आएगा। काटना नहीं, रोक देना ऊपर। नहीं किसी को नहीं खाएंगे। लड़ नहीं, किन से प्रश्न करना है? ये से हाँ आऊंगा। फोरन भाई है गुड़ी गुड़ी लड़ नहीं वजह क्या ली, लेकिन सबके सामने सोशल मीडिया है। है हल्ला नहीं। आप लोग प्रश्न है बताइए। ऑन कर दिया है, बातें बंद करो। बताइए मनुष्य की 5 इंद्रियां होती है, तो बताना है कि मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी। ठीक हाँ, आप लोग बताइए मनुष्य का सबसे बड़ा अंग बताइए, मनुष्य का सबसे बड़ा त्वचा। हाँ आप लोग बताइए। छिद्र ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है और दर्द भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है मुंह, कान, नाक, गाल। नाक को तो बोलो। अब ऑप्शन दिए तो तुरंत सुन लो। संतरी आप लोग का कान वो बताई है, वो बताई है। गलत बात है, ईमानदारी से बताए हम सब, इशारा किया है हम पर मगर उस इशारा के फायदा उठा लिया है। पर्दा बोले गिरा, कैमरा वाला लाइट है, कैमरा फेस नहीं है। पर्दा गिरा पूरा अंदर हो एकदम सड़क है। सर बैठाइए, हमारा का ऑप्शन दे रहा था, हार रहा था, सब जीतवा दिया ना। दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बुद्धिमान मछली बताइए। याद रखिए सिर्फ बुद्धिमान मछली डॉल्फिन है, दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछली बताइए। अगर बुद्धिमान मछली डॉल्फिन है तो दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछली। चुप, प्लस दे दीजिए। डॉल्फिन बहुत बढ़िया। सबसे खतरनाक मछली शार्क है, तो दूध की रानी कौन सी बकरी? सनेल बकरी। सनेल बकरी। अब बताइए फलों का राजा आम, तो मसालों का राजा कौन? इलायची। माइनस 5 कीजिए। माइनस प्लस 10 दीजिए। मसालों का राजा पूछे है, रानी ना पूछे है। 10 दीजिए, 10 और देखिएगा। हाँ सुनिए, हल्ला क्या हो रहा है? अभी लोग शांत रहिए। हाँ आप लोग बताइए, मसालों का राजा मिर्च। तो 7 ऐसे फसल का नाम बताइए जो गर्मी के मौसम में उपजाए जाते हैं।
कितने साउंड, सात ऐसे फसलों का नाम, फसल का नाम बताइए जो ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाते हैं गर्मी के दिनों में, सात फसल जल्दी। फट दिन पास नौवा चल रहा है कि दसवा चल रहा है, पास आप लोग बोलिए सात गो ऐसा फसल का नाम बताइए जो आज गर्मी के दिन में बोई जाती है तो आस पास खेत नहीं घुमाए सब। नौवा चल रहा है ना अभी, हम बोलो सर जी है चलिए चाप तू लोग नहीं है ऑडियंस का बोलना है, सात को फसल नहीं आसपास देखो खेत में पास कर दीजिए सर, हम बोले हाँ बोलिए ऐसा जो है हाँ चुप नहीं मकई हाँ राहरी हाँ मसरी हाँ लेरी आगे आलू आलू नहीं आलू आलू नहीं बोले आगे बोलो और झिंगुनी लौकी बैठो ठीक है हाँ छोड़िए वो सब है शांत रहिए। पांच मिनट शब्द उच्चारण करना है, आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य पांच में बोलना है सुनो, आचार्य तथाचार्य लेट से आया है का है एक एक तन मिनट कटे किया दीजिए आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य पांच बार रिपीट करना है, आचार्य तथाचार्य आचार्य आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य पांच बार रिपीट करो नहीं आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य आचार्य तथाचार्य तथाचार्य तथा डाक देखो तथाचार्य तथाचार्य आचार्य आचार्य नहीं आचार्य तथाचार्य पांच बार रिपीट करना जल्दी, और कौन है बारी वही मुझे खिला दीजिए, प्रसादी प्रसादी होता है तो गिफ्ट नहीं देगा केक खा लिया आज टीचर दे आई बिहान दिया है बोलिए शांत रहिए बोलिए आचार्य तथाचार्य 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 भरक गया पांच बार पूरा सड़क पर अनंत रहिए देखिए ध्यान से बोलिए ये बीमारी बात नहीं अच्छा क्या बोले घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया घोड़ा सड़क शांत रहिए क्या बोले घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया फिर से बैठिए कैमरा का उचित कर ले पाए सीधा खड़ा होके सही है कैमरा वाला पता नहीं है बोलिए घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया 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 घोड़ा सड़क पर माइनस पे लगा दीजिए सुनो बेचारी नाम दिया हमरा के हाँ जलेबी जिंदगी को जिंदगानी जलेबी जिंदगी को जिंदगानी देती है जलेबी आज के दिन कोई गिफ्ट नहीं लेना रखी हुआ आज में नहीं चोरी करेगा अभी आप
जलेबी जिंदगी को अगर आपको अपने बताइएगा तो फिर आवाज आएगा। हम पास करवाए देंगे, एक बार बोल रहे हैं पीछे सादी पास लगाइए पास नहीं अभी पूछना है। अब यहां दर्शन हो गए ना नंबर 3 जलेबी जिंदगी का पास ना के को ना।